गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग फैजान्स रूल का एप्लीकेशन देख रहे थे और उस एप्लीकेशन में दो वीडियो हम लोग बना चुके थे। ये तीसरा वीडियो है फैजान्स रूल का एप्लीकेशन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मल स्टेबिलिटी। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपको एप्लीकेशन ऑफ फैजान्स रूल थर्ड, है ना, और उसमें सिक्स्थ या सेवेंथ एप्लीकेशन है थर्मल स्टेबिलिटी। अब जरा देखिए, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, केटायन की साइज छोटी हो, एनायन की साइज बड़ी हो तो पोलराइजिंग पावर बढ़ जाता है, पोलराइजेशन बढ़ जाता है, फिर उससे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, आयनिक कैरेक्टर घटती है, और उन दोनों से जितने भी प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आती है हम लोग वो देख चुके थे कि क्या क्या चेंजिंग आती है, चाहे कलर में, चाहे मेल्टिंग पॉइंट में, चाहे सॉल्युबिलिटी में, सब चीजों में। आज हम लोग स्पेशल एक देख रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी। और थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है, देखिए आयनिक कंपाउंड जितना बढ़िया होगा, यानी परसेंटेज ऑफ आयनिक कंपाउंड ज्यादा होगा तो वो थर्मली ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? केटायन एनायन पास पास होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, पिछले क्लास में हमने एक चीज देखा था फाई, और फाई क्या था, चार्ज बाई रेडियस। तो आज ध्यान दीजिए कि अगर फाई बढ़ेगा, अगर फाई बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा, और अगर पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगी, है ना, और आयनिक कैरेक्टर घटेगा। और जब आयनिक कैरेक्टर घटेगा बच्चों, तो जो थर्मल स्टेबल है, थर्मल स्टेबिलिटी वो भी घटेगी। तो थर्मली स्टेबल जो है, थर्मल स्टेबल वो भी घटेगा। तो आइए अब हम लोग देखें एक एक का देखते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों मेटल कार्बोनेट, इसका देखते हैं मेटल कार्बोनेट। आप जानते हैं जितने भी मेटल के कार्बोनेट हैं, MCO3, जितने भी मेटल के कार्बोनेट हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं और CO2 बनाते हैं, ठीक है, मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं या CO2 बनाते हैं। अब क्या है इसमें कि हमने क्या कहा कि अगर फाई बढ़ा तो थर्मली कम स्टेबल होगा। अब फाई कैसे पता चलेगा कि बढ़ रहा है कि नहीं, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दूं कि BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3 और BaCO3। तो आपको पता है CO3 तो सब में कॉमन है, सब में कॉमन है, है क्या, सबसे छोटा है बेरिलियम, तो बेरिलियम में क्या होगा, सबसे ज्यादा फाई, तो आईसी कम होगा और थर्मली स्टेबल भी कम होगा। तो सबसे ज्यादा इसमें थर्मली स्टेबल कौन होगा, ये, यानी इसको अगर हम गर्म करें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये बहुत जल्दी टूट जाएगा, और किसमें टूटेगा, CO और CO2। ये ये अलग बात है कि ये सब के सब स्टेबल होते हैं क्योंकि इनके चार्ज ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो केटायन एनायन का जो अट्रैक्शन है वो भी थोड़ा ज्यादा होता है। अगर यही मैं लिथियम फैमिली की बात करूं कि Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 और CH2CO3, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां क्या होते हैं कि यहां आप जानते हैं कि ये कम स्टेबल होगा, ये तो अभी दिख रहा है, ऊपर से नीचे हम जाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होंगे। इसीलिए आप इसको अगर गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, Li2O और CO2 में ब्रेक हो जाता है,
लेकिन ये जो है सोडियम से सीजियम तक नॉट इजीली डिसोसिएटेड ऑन हीटिंग, तो ये जो है नॉट इजीली डिसोसिएटेड ऑन हीटिंग, ठीक है, तो ये आसानी से, तो ये हम एक मेटल कार्बोनेट का जान गए कि मेटल कार्बोनेट जब भी ब्रेक होगा तो वो CO में मतलब सॉरी MO में मतलब मेटल ऑक्साइड में और CO2 में ब्रेक होगा, और कौन ब्रेक होगा जो कम स्टेबल होगा वो ब्रेक होगा, है ना, और कौन कम स्टेबल होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा वो हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब बहुत डीप में अगर जाएंगे तो इनऑर्गेनिक में अंदर जाना पड़ेगा, फिलहाल हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, नया एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं मेटल सल्फेट, इसको अलग है नोट कर लीजिए। तो देखिए अब हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी में मेटल सल्फेट को देखते हैं, सारी चीजें वैसी ही हैं, मेटल सल्फेट। अब देखिए कोई भी मेटल सल्फेट हो, कोई भी मेटल सल्फेट हो, उसको अगर हम गर्म करें तो क्या होगा, तो अगर हम मेटल सल्फेट को गर्म करेंगे तो क्या होगा, जरा देखिए होगा क्या कि ये जो आपका मेटल सल्फेट है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका मेटल सल्फेट है ना, इसको हम दो तरह से गर्म करते हैं, एक कि हमारा जो टेम्परेचर है बच्चों वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, और एक की 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो। अगर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो ये क्या बनाएगा, ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना, SO3। और अगर 800 डिग्री से ज्यादा है तब क्या बनाएगा, ऑक्साइड SO2 और O2 ये भी बनाएगा। तो एक तो हमें ये जानने की बात है, बाकी आप फिर से समझ रहे हैं कि अगर मैं टॉप टू बॉटम बात करूं तो फिर मैं कहूं अगर कि बताइए ये BeSO4 है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम रेडियम, है ना, तो अगर मैं कहूं तो आप तुरंत कहेंगे कि हाँ सर ऊपर से नीचे आएंगे क्योंकि ये सब एक ही ग्रुप के हैं, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो इसकी साइज बड़ी होगी तो पोलराइजिंग पावर कम होगा, है ना, तो जिसका पोलराइजिंग पावर कम हो यानी फाई कम हो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो यानी ये ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा। और बिल्कुल उसी तरह से अगर मैं लिथियम फैमिली की बात करूं, Li2SO4, Na2SO4, K2SO4, Rb2SO4 और CS2SO4, तो यहां भी क्या होगा, बिल्कुल ऊपर की तरह ये सब थर्मली स्टेबल नॉट इजीली डिकम्पोज, ये चारों क्या होते हैं, ये बिल्कुल जैसे अभी हमने बताया नॉट इजीली डिकम्पोज, और ये क्या होगा बच्चों, ये टूट जाएगा और Li2O में और SO3 में ये ब्रेक हो जाएगा, है ना। इसमें एक सुंदर क्वेश्चन आता है, आप लोग ये नोट कर लीजिए, तो मैं आगे बता रहा हूं, नोट कर लीजिए। अब देखिए एक होता है ग्रीन विट्रियोल, आपको पता होगा, तो ग्रीन विट्रियोल ये एक एडवांस
एडवांस लेवल के लिए बहुत सुंदर क्वेश्चन हो सकता है, ग्रीन विट्रियल। ग्रीन विट्रियल क्या है जरा समझिए। आप जानते हैं Fe4.7H2O, तो इसके बारे में अगर कहे कि इसको गर्म किए तो क्या होगा, तो आप ध्यान से सुनिए। इसको गर्म करेंगे तो पहले तो वो Fe4 और 7H2O में ब्रेक होगा, वाटर निकल जाएगा। लेकिन जब इसके बाद आप करेंगे Fe4 को आगे गर्म करेंगे तो ये थोड़ा सा क्या होता है, अलग है। आप कहेंगे कि क्या ये ऑक्साइड नहीं बनता है? बनता है, ऑक्साइड बनता है। कौन सा ऑक्साइड है ये? हेमेटाइट, है ना। लेकिन SO3 बनता है और SO2 भी बनता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नोट कर लीजिए कि ग्रीन विट्रियोल जो है वो SO3 और SO2 दोनों निकालता है, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर से इसको हम लोग यही क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं, फजान सूत्र, तो हम लोग फजान सूत्र में ही रहेंगे, इनऑर्गेनिक में नहीं रहेंगे। तो अगला क्या है हमारा, मेटल नाइट्रेट। ठीक है, फजान सूत्र का हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी देख रहे हैं, मिटा दो इसको। चलिए अगला हम लोग देख रहे हैं बच्चों, मेटल नाइट्रेट। एक तो आपको ये पता है मेटल नाइट्रेट के बारे में, ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। तो पहले तो ये जान लीजिए कि दुनिया के जितने नाइट्रेट होंगे सबके सब वाटर सॉल्युबल होंगे। खैर, अगर ये बच्चों मेटल नाइट्रेट है एक्स, हम इसके पहले भी जो सल्फेट लिखे थे ना, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे है ना, ऐसे उसको लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेटल के बारे में तो हमें पता नहीं है ना कि मेटल का कितना है वैलेंसी। देखिए तो आइए, अगर हमें मेटल नाइट्रेट के रख दो, अगर हमें मेटल नाइट्रेट के बारे में देखना है तो हम क्या करेंगे, जरा देखिए। मेटल नाइट्रेट को अगर गर्म करें तो क्या होगा, जरा समझिए। एक तो मेटल ऑक्साइड बनेगा और दूसरा NO2 बनेगा। तो क्या होगा, इसको गर्म करेंगे तो ये बनेगा मेटल का ऑक्साइड और दूसरा क्या बनेगा, NO2। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, मेटल ऑक्साइड और NO2। अब आपको वैलेंसी पता होना चाहिए तभी तो आप करेंगे। वैलेंसी पता रहेगा तो उसके हिसाब से आप कर पाएंगे, ठीक है, कि कौन सा ऑक्साइड है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि ये है मैग्नीशियम नाइट्रेट, इसको गर्म करो, तो आप थोड़ा सा जानते रहेंगे तभी तो कर पाएंगे, जानते रहेंगे तभी तो कर पाएंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कुछ चीजें बड़ी एक्सेप्शनल भी हैं, थोड़ी अलग है। नॉर्मली क्या होता है, सब के सब यही बनाते हैं नॉर्मली, लेकिन लिथियम और मैग्नीशियम, आप देखिए अगर आप मैग्नीशियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो एक तो बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और NO2 भी बनाएगा, लेकिन साथ में ऑक्सीजन भी निकलेगा जो अक्सर नहीं निकलता है, सब में ऑक्सीजन ही निकलता है, यहां निकलेगा। और कहां निकलेगा, लिथियम नाइट्रेट में भी, है ना। लिथियम नाइट्रेट में भी क्या होता है, लिथियम अपना ऑक्साइड बनाता है, NO2 बनता है और O2 बनता है, तो इसमें भी निकलता है। ठीक है, अगर आपको याद है तो पीरियोडिक टेबल में आप पढ़े हैं ना, लिथियम सोडियम यहाँ बेरिलियम मैग्नीशियम, और उन्होंने क्या कहा था, डायगोनल रिलेशनशिप, आपको याद आ रहा है। तो इन सब में डायगोनल रिलेशनशिप था, यही एक इंपॉर्टेंट डायगोनल रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डायगोनल रिलेशनशिप, तो डायगोनल रिलेशनशिप के वजह से लिथियम और मैग्नीशियम कुछ इस तरह से देते हैं। तो नाइट्रेट बच्चों जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नाइट्रेट में
तीन तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक तो जैसे लिथियम ऐसे ले लिया, लेकिन इसी लिथियम के ग्रुप के बाकी जो हैं सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम, ये अलग तरह से लेते हैं। वो कैसे लेते हैं जरा देखिए, मैं MnO3 लिख रहा हूं, ओके MnO3। अगर आप गर्म करेंगे तो पहले ये क्या होता है, पहले ये बनाते हैं नाइट्राइट और O2। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कंपटीशन में, पहले ये बनाते हैं अब फिर इनको बच्चों अगर हम हाई टेम्परेचर पर अगर हीट करें तो यही क्या हो जाता है Na2O, है ना, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है उसमें ये फ्यूज करते हैं। ये क्या है, ये मेटल है ऑल एलकली मेटल एक्सेप्ट लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या समझे, एक और इसमें बता दे रहा हूं और फिर और अंदर नहीं जाऊंगा। तो आप अभी यहां देखिए क्या समझे आप, कि जितने मेटल नाइट्रेट हैं सारे मेटल नाइट्रेट के साथ जब उनको गर्म करेंगे तो वो इसमें ब्रेक होंगे सब, लेकिन तीन को छोड़ के, एक तो लिथियम मैग्नीशियम, ये एक जैसा शो कर रहे हैं। लिथियम के इन ग्रुप के बाकी जो है सोडियम पोटेशियम रुबिडियम ये सब ये अलग तरह से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दे रहे हैं। और एक जिसको हम लोग नेगेटिव मेटल्स कहते हैं, यानी सिल्वर मर्करी प्लेटिनम गोल्ड, ये सब केवल ऑक्सीजन देते हैं। जरा समझिए, वो सब केवल ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्साइड भी नहीं बनाते हैं, केवल ऑक्सीजन। और अभी मैं बता रहा हूं उसकी ऑक्साइड, यानी ऑक्साइड बनता है तुरंत ब्रेक हो जाता है, ये आप समझ गए। इसको मैं बता दे रहा हूं, तो आप ये लिख सकते हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ नेगेटिव मेटल्स और नेगेटिव मेटल्स होते क्या क्या है बच्चों, नेगेटिव मेटल होते हैं AgAuEV मर्करी वगैरह, ठीक है। तो ऑक्साइड्स ऑफ नेगेटिव मेटल्स ये क्या करते हैं, आर थर्मली अनस्टेबल, लिख लीजिए आर, मैं लिख दे रहा हूं थर्मली अनस्टेबल एंड गिव मेटल विद ऑक्सीजन, या गिव ऑक्सीजन ऐसे लिखिए, गिव O2 विद मेटल ऑन हीटिंग। यानी आप किसी को भी ले लीजिए, आप क्या कर रहे हैं पहले कि जैसे मेटल नाइट्रेट लिए तो मेटल नाइट्रेट ब्रेक हुआ, किसमें ब्रेक होगा आप पढ़ चुके हैं। अब जो ऑक्साइड होगा, अगर वो ऑक्साइड इन सब का है तो गर्म करते ही सिल्वर अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ये कहने का मतलब है। तो हम लोग इसमें नाइट्रेट में क्या क्या देखें, नाइट्रेट में देखें कि सारे नाइट्रेट एक जैसा रिएक्शन करते हैं, उसमें लिथियम और मैग्नीशियम थोड़ा अलग रिएक्शन करते हैं, और उस लिथियम में भी उसके ग्रुप के बाकी जो हैं सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम अलग करते हैं, और ये सिल्वर वाले या गोल्ड वाले ये सब करते हैं, बाकी सारे नाइट्रेट वैसे ही रिएक्शन करते हैं। तो हम लोग खैर बात कर रहे हैं थर्मली स्टेबल का, अगर नाइट्रेट के भी थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, जैसे इसको बिठा दो, आपसे जैसे क्वेश्चन पूछे कि
आपसे क्वेश्चन पूछे कि इंडियन साल्ट पीटर क्या कहते हैं इसको, इंडियन साल्ट पीटर और चिली साल्ट पीटर इसको क्या कहते हैं, चिली साल्ट पीटर और इसको इंडियन साल्ट पीटर, ठीक है। तो अगर हम कहें इंडियन साल्ट पीटर और चिली साल्ट पीटर, आप दोनों में बताइए कि इंडियन साल्ट पीटर और चिली साल्ट पीटर में कौन ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा, तो आप क्या कहेंगे। आप जानते हैं कि पोटेशियम की साइज बड़ी है, तो पोटेशियम की साइज बड़ी होगी तो इसमें पोलराइजेशन भी ज्यादा नहीं होगा, है ना, यानी इसमें पोलराइजेशन कम होगा, और जब पोलराइजेशन कम होगा तो थर्मली स्टेबल वो ज्यादा होगा। तो दोनों में चिली और इंडियन में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, चिली और इंडियन में इंडियन साल्ट पीटर ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग मेटल बाइकार्बोनेट, इधर भी इसको मिला देंगे। तो अब हम लोग देखते हैं मेटल बाइकार्बोनेट क्या क्या देख लिए, पहला सल्फेट देखे, कार्बोनेट देखे और नाइट्रेट देखे, तो ये चौथा हो गया ना मेटल बाइकार्बोनेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइकार्बोनेट समझते हैं ना, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसी को मेटल बाइकार्बोनेट कहते हैं। अब देखिए कोई भी मेटल बाइकार्बोनेट हो, कोई भी मेटल बाइकार्बोनेट हो, अगर हम इसको गर्म करते हैं तो ये क्या बनता है, एक तो मेटल कार्बोनेट, सारे बाइकार्बोनेट मेटल कार्बोनेट हो जाते हैं, और साथ में आपको पता है ये बहुत बच्चे बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, वाटर और CO2 बनता है। लेकिन खास बात है कि अब इसको गर्म करने पे नो रिएक्शन, अब इसको गर्म करने पे नो रिएक्शन, लेकिन यहां भी वही है, जैसा लिथियम हर जगह इंपोर्टेंट हो जाता है वैसे यहां भी लिथियम इंपोर्टेंट हो जाता है। अगर आप लिथियम बाइकार्बोनेट को ले तो लिथियम बाइकार्बोनेट भी क्या बनेगा, Li2CO3 जैसा रूल है, और क्या बनेगा, वाटर और CO2, ये भी वैसे ही बनेगा जैसे बनता है, लेकिन लिथियम कार्बोनेट, बाकी कार्बोनेट नहीं टूटते हैं लेकिन लिथियम कार्बोनेट टूट जाता है अपने ऑक्साइड में और CO2 में। क्यों ऐसा होता है, क्यों टूट जाता है, क्योंकि लिथियम की साइज बहुत छोटी है। इसमें जो लिथियम है ना बच्चों, क्या है लिथियम, Li प्लस, वेरी स्मॉल, तो बहुत छोटा होगा तो क्या होगा, हाई पीपी, पीपी माने पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होगा, और ये क्या है HCO3, ये क्या है लार्ज साइज, है कि नहीं, तो इसका पोलराइजेशन क्या होगा ज्यादा। तो जब एक का पोलराइजिंग पावर ज्यादा और ये, तो दोनों में क्या होगा, खूब पोलराइजेशन होगा, दोनों में क्या होगा, खूब पोलराइजेशन। तो क्या होगा, खूब पोलराइजेशन होगा तो CC खूब बढ़ जाएगा, CC माने कोवेलेंट कैरेक्टर, और जब कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत बढ़ जाता है, यही रीजन है कि लिथियम बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। तो यही रीजन है कि आप जानते हैं आयनिक बॉन्ड खूब ज्यादा रहता तो सॉलिड रहता, तो यही रीजन है कि इट इज माने इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है।
ठीक है, लेकिन वही इसी पे है सोडियम से सीजियम तक। तो सोडियम से सीजियम की साइज इतनी छोटी नहीं होती है, वो बड़ी होती है, इसीलिए वो सब क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड बनाते हैं, वो सब में कोवेलेंट की प्रॉपर्टी कम होती है। तो अगर आपसे कोई कहे लिथियम बाइकार्बोनेट, आप कहेंगे लिक्विड होता है, सोडियम से सीजियम तक सॉलिड होता है। आरसन में तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भाई ये हम लोग तो देख रहे थे थर्मली स्टेबल, कौन कितना थर्मल स्टेबल होता है, ये नोट कर लिए। तो देखिए तो आ जान लीजिए, अच्छा उसी तरह से जैसे ये अल्कली मेटल लिथियम था, जब बेरिलियम में जाएंगे तो क्या होगा, चार्ज बढ़ जाएगा, और जब बेरिलियम के पूरे ग्रुप में मैग्नीशियम वगैरह जब चार्ज बढ़ जाएगा तो पोलराइजेशन खूब होगा, माने पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगा, सीसी बढ़ेगा कोवेलेंट कैरेक्टर, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो उसको लिक्विड में रहने के चांसेस और ज्यादा होंगे। इसीलिए सेकंड ए के माने अल्काइन अर्थ मेटल के जितने बाइकार्बोनेट होते हैं सब लिक्विड ही होते हैं। तो आज ये जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट, एल्कली मेटल में केवल लिथियम बाइकार्बोनेट लिक्विड होता है, अल्काइन अर्थ मेटल में सब के सब लिक्विड स्टेट में ही होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, ऑल बाइकार्बोनेट्स ऑफ सेकंड ए, नोट करते हैं आप कर लीजिए, ऑल बाइकार्बोनेट्स ऑफ सेकंड ए ब्रैकेट में अल्काइन अर्थ मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म ड्यू टू इफेक्टिव पोलराइजेशन। लेकिन खैर वो तो अलग चीज है, हम लोग जो थर्मली स्टेबल पढ़ रहे थे, अगर इसको हम थर्मल स्टेबल करें माने उसका ट्रेंड देखें, तो क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों, साइज आप समझ रहे हैं। उसी तरह से अगर भले ही लिक्विड हो चाहे जो भी हो, लेकिन फिर भी हम इसका थर्मली स्टेबल देख तो सकते हैं ना, थर्मली ये ज्यादा स्टेबल है कम स्टेबल है। ठीक है, तो इस तरह से होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ये पूछ देगा कि भाई बताइए कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट में कौन ज्यादा स्टेबल है, या इस टाइप की बात। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट और देख लेते हैं, मेटल हैलाइड है ना, और मेटल हैलाइड देख के ये हमारा एप्लीकेशन खत्म हो जाएगा काफी हद तक। मिटा दो उसको, तो आइए आगे देखते हैं हम लोग, ई है ना, मेटल हैलाइड, देखिए जरा मेटल हैलाइड, मेटल हैलाइड में थोड़ा सा अलग आंसर आ जाता है, क्योंकि मेटल हैलाइड का जो स्टेबिलिटी हम देखते हैं वो पोलराइजेशन से नहीं देखते हैं, वो लैटिस एनर्जी से देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो पहला यही पॉइंट है कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल हैलाइड इज चेक्ड बाय लैटिस एनर्जी एंड नॉट बाय पोलराइजेशन। तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी लिख लीजिए, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल हैलाइड इज चेक्ड बाय
लैटिस एनर्जी एंड नॉट बाई पोलराइजेशन। तो इसका क्या मतलब हो गया, ये एक तरह से फजान सुबुल का एग्जाम्पल ही नहीं है, है ना। तो ये फजान सुबुल का एग्जाम्पल ही नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहां क्या होगा। लैटिस एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती है, थर्मल स्टेबिलिटी भी एमएक्स की बढ़ती है। जैसे जैसे लैटिस एनर्जी बढ़ती है वैसे वैसे थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं ये है केएफ, ये है केसीएल, ये है केबीआर और ये है केआई। तो मैं आपसे अगर कहूं तो क्या होगा, केएफ केसीएल केबीआर और केआई, पोटेशियम तो सब में कॉमन है ना, लेकिन इसमें आयोडीन की साइज बड़ी है। आयोडीन की साइज बड़ी है तो क्या होगा, इसमें पोलराइजेशन, सॉरी पोलराइजेशन नहीं देखेंगे। तो यहां क्या देखेंगे, यहां लैटिस एनर्जी। तो लैटिस में क्या देखते हैं, जिसकी साइज छोटी, याद आ रहा है लैटिस एनर्जी में पहले चार्ज देखते थे फिर साइज, चार्ज तो सब में सेम है, इसकी साइज छोटी इसलिए इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा अलग हो गया। अगर मैं कहूं एल आई एफ एन एफ के एफ आर बी एफ और सी एस एफ, ठीक है, तो अगर मैं इसमें कहूं तब देखिए एफ 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 सब में कॉमन है कि नहीं, तो एफ एफ सब में कॉमन है लेकिन इसकी साइज छोटी, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज डेंसिटी इसमें ज्यादा होगा, इसलिए इसमें लैटिस एनर्जी भी, ठीक है। आइए एक दो बस क्वेश्चन कर लें और उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म। तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आइए आप जरा बताइए, अगर मैं कहूं एल आई थ्री एन एन ए थ्री एन के थ्री एन, तो क्या होगा, एन एन सब में कॉमन है, एल आई छोटा है, जो छोटा होता है उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए ये आंसर होगा। बोलिए अगर उसी तरह मैं कहूं एल आई टू ओ एन ए टू ओ के टू ओ, फिर आप कहेंगे सर वही आंसर होगा। अब समझ रहे ना, यहां लैटिस एनर्जी देखना, पोलराइजेशन देखेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, सब उल्टा उल्टा आएगा। तो यहां क्या करते हैं, इधर ये छोटे हैं, नाइट्राइड में भी यही देखते हैं, इसलिए मैं हैलाइड में नाइट्राइड भी घुसा दिया, क्योंकि नाइट्राइड में भी वही देखेंगे, ऑक्साइड में भी वही देखेंगे, इसीलिए हमने ऐसे कर दिया। लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं कहूं MgF2 और कहूं MgO और कहूं Mg3N2, तो यहां क्या करेंगे, यहां लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, क्या होगा Q1 Q2, कितना चार्ज है 2, कितना चार्ज है 1, तो 2 into 1 कितना होगा 2, कितना चार्ज है 2, इस पे भी 2, कितना होगा 4, कितना चार्ज है 2, इसमें 3, कितना होगा 6, ये इसका बहुत ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा और ये थर्मली कम स्टेबल होगा। आप जानते हैं लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R, तो Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो बच्चों ये फजान्स रूल का एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा, आप लोग इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पूछिए और कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू बच्चों।